नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की बड़ी खबर के साथ। तो लालू राबड़ी मीसा को कोर्ट से राहत मिल चुकी है। 50,000 के मुचलके पर कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। सीबीआई ने जमानत का विरोध भी नहीं किया है। आपको बता दें कि राव जवानी कोर्ट में पेशी हुई थी। सीबीआई ने 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें से लालू मीसा और राबड़ी को जमानत मिल गई है। 50,000 के मुचलके पर यह जमानत दी गई है। बता दें कि लालू व्हीलचेयर पर पहुंचे थे राव जवानी कोर्ट में पेशी के लिए, राबड़ी और मीसा भारती के साथ, जहां कोर्ट से तीनों को ही राहत मिली है। 50,000 के मुचलके पर कोर्ट ने तीनों को जमानत दे दी है। तो सीबीआई ने जमानत का विरोध नहीं किया। वहीं आपको बता दें, राव जवानी कोर्ट में ये पेशी हुई थी, 14 आरोपी जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो बता दें, लालू यादव हेल्थ ग्राउंड पर जमानत लेने ही वाले थे, लेकिन फिलहाल कोर्ट से तीनों को ही, मीसा भारती, राबड़ी और लालू को 50,000 के मुचलके पर जमानत दे दी गई है। ममता चतुर्वेदी इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। ममता, राबड़ी देवी, लालू और मीसा भारती को जमानत मिल गई है 50,000 के मुचलके पर, जहां पहले कहा जा रहा था कि लालू हेल्थ ग्राउंड पर जमानत के लिए याचिका डालेंगे, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल कोमल, राव जवानी कोर्ट में ये मामला चल रहा है सीबीआई की तरफ से, और देखा जाए तो पहले से इस बात का अंदाज़ा था कि जैसे ही ये मामला आज, क्योंकि चार्जशीट पर ही सुनवाई होनी थी, उम्मीद यही थी कि आज ही इन लोगों को जमानत मिल जाएगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जहां एक ओर लालू प्रसाद यादव ने हेल्थ ग्राउंड पर जमानत अर्जी लगाई थी, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से ये पूरा मामला चल रहा है कभी भी उन्होंने गवाहों को प्रभावित नहीं किया। वहीं दूसरी ओर अगर राबड़ी देवी की बात करें तो उनकी भी काफ़ी एज हो चुकी है। तो तमाम दलीलों के साथ इन लोगों ने जो अर्जी थी राव जवानी कोर्ट में लगाई थी, और कोर्ट ने सुनवाई के बाद इन लोगों की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया। 50,000 के निजी मुचलके पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी और मीसा भारती को राव जवानी कोर्ट ने जमानत दे दिया। ठीक है, ऐसे में किसी तरीके का कोई विरोध और जो समर्थक पहुंचे हुए थे, किस तरह की तस्वीरें? जी बिल्कुल कोमल, देखिए जहाँ तक समर्थकों का सवाल है तो वो मनोबल बढ़ाने की मंशा से कोर्ट पहुँचे थे, क्योंकि वो उनके नेता कोर्ट के अंदर थे। उनका मनोबल बना रहे कि तमाम जो आरजेडी नेता हैं वो उनके साथ हर स्थिति में हैं, ये बताने की कोशिश समर्थकों की तरफ से की गई थी, और इसी मकसद से वो वहाँ पर पहुँचे थे। जी चलिए ममता, आपका बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, राव जवानी कोर्ट में ये पेशी हुई थी और लालू मीसा और राबड़ी देवी को जमानत मिल चुकी है 50,000 के मुचलके पर। हालांकि पहले ही कहा गया था कि लालू यादव जो हैं वो हेल्थ ग्राउंड पर जमानत मांगेंगे। खबरों में आगे बढ़ जाते हैं तो झारखंड में चल रहे बजट सत्र के दौरान सीएम सोरेन मीडिया से मुखातिब हुए हैं, और इस दौरान बीजेपी के द्वारा आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का मामले में न्यायिक आयोग के गठन की बात को लेकर पलटवार करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाए ये सोचना पड़ता है, अब वो किन किन सहारों के भरोसे राजनीतिक रोटी सेक सकेंगे ये तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन वर्तमान में मीडिया बंधु के सहारे ही बीजेपी की रोजी रोटी चल रही है। बीजेपी मैं उनके लिए कौन सा शब्द उपयोग करूं, मैं सोच रहा हूं कि अब वो किन किन सहारों के भरोसे आने वाला समय में अपनी राजनीतिक रोटी सेकेगी। ये तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन वर्तमान स्थिति में मैं यही कह सकता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आप प्रिय बंधुओं के सहारे ही उनकी अभी रोजी रोटी चल रही है।
देखिए हेमंत सोरेन बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए कि मीडिया बंधुओं के सहारे ही इनकी रोजी रोटी चल रही है। और ये भी कहा गया कि वक्त बताएगा, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक बीजेपी रोटियां सेक रही है वो सही नहीं है। तो अपने बयान में ये साफ कहते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है और फिलहाल तो मीडिया बंधुओं का सहारा ले रही है बीजेपी, यही उनकी रोजी रोटी कमाने का एक जरिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अपने बयान में कहते हुए नजर आए, बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है मीडिया बंधुओं का सहारा लेकर। और नई नीति को लेकर लगातार विपक्ष के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर मंत्री चंपाई सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 1932 खतियान स्थानीय नियोजन नीति के लिए जेएमएम शुरू से संघर्ष कर रही है और इसको लागू करना हम लोगों की प्राथमिकता है, वहीं नई नियोजन नीति स्थायी नहीं है, बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है। देखिए कल बड़ा विस्तार से विचार रखा गया, जो बीच में रहा था विधायक सुरजी राय वरिष्ठ विधायक, और नियोजन नीति पर सीएम को बधाई भी दे दिया। अरे ये लोग का जो 60-40 कहां से आ गया ये पता नहीं चल रहा है, किस जगह का पेड़ है, जनता का गुमराह करने के लिए है ऐसा, इनका बस कोई मुद्दा अभी नहीं बचा है। जहां तो 1932 की बात है, वो हम तो पहले कहे कि वो हमारा संघर्ष है। मंत्री चंपाई सोरेन को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि सब एक दिखावा, और उनके बयान को लेकर तमाम और तस्वीरें भी सामने आ रही है बीजेपी को लेकर। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है, नई नियोजन नीति स्थायी नहीं है, नई नियोजन नीति पर सियासत लगातार जारी है। मंत्री चंपाई सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही है, तो नई नीति को लेकर लगातार विपक्ष के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मंत्री चंपाई सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि 1932 खतियान स्थानीय नियोजन नीति के लिए जेएमएम शुरू से संघर्ष कर रही है और इसको लागू करना हमारी प्राथमिकता है, वहीं नई नियोजन नीति स्थायी नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। और बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है। और झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार की देर रात तक पहला मंगलवारी को लेकर रांची के महावीर चौक में कई अखाड़ों द्वारा मंगलवारी जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में अखाड़ाधारियों की ओर से गाजे-बाजे के साथ अस्त्र शस्त्र को लेकर जुलूस निकाला गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा है। बड़ी खबर साझा कर रहे हैं इस वक्त की, तो मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रांची में मंगलवारी जुलूस निकाला गया, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और झारखंड विधानसभा की कार्यवाही में नियोजन नीति की जानकारी को लेकर लगातार बीजेपी आवाज उठा रही है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के द्वारा इस मामले को साफ नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ राजीव अरुण एक्का के मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दूसरा नमूना है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी अवैध खनन मामले में सरकार ने SIT का गठन किया और SIT के द्वारा ट्रेन में कैसे अवैध ढुलाई की गई उसकी जाँच की जा रही है। वहीं सीएम सोरेन को चेतावनी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऊपर की एजेंसी कार्रवाई जरूर करेगी, उसके लिए मुख्यमंत्री तैयार रहें, जहां उनके दलाल बिचौलिए लोग गए हैं वह जाने के लिए भी तैयार रहें।
भाई ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं होता है, सजा नहीं होती है। ट्रांसफर तो रेगुलर भी होते रहता है सचिवों का या पदाधिकारियों का, कर्मचारियों का। हम लोगों ने क्या मांग किया था भाई, उनको निलंबित करनी चाहिए थी, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए थी, लेकिन वो सब किया नहीं। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी जो कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए, तो उनको बचाने के लिए यही उन्होंने जांच बिठाया। वो भी रिटायर जो VK गुप्ता की अध्यक्षता में। भाई क्या मतलब है, उन्होंने एक नहीं कई गड़बड़ी की हुई है। एक गड़बड़ी तो कल ही मैंने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, पुलिस निगम में किस प्रकार से वहां के जो इंजीनियर चीफ थे उसकी बहाली हुई है, उसका एक्सटेंशन हुआ है, एक एक दिन में कैसे फाइल मूवमेंट पंचायत में। पटना से आई जांच टीम के जाने के बाद पंचायत के लोगों का गुस्सा दिखा है। बता दें लोग साफ तौर पर कहने लगे कि मुखिया जितना भी विकास कार्य अभी तक किए हैं सभी काबिले तारीफ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना मतलब के वरीय अधिकारियों को आवेदन देकर विकास कार्यों में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं न मुखिया जी के सपोर्ट में हूँ न समर्थन में हूँ। जो पंचायत के कार्य हो रहे हैं 5 साल पिछले अवधि का जो कार्य हुआ और अभी वर्तमान में जो होने की संभावना है और देख रहे हैं कि अच्छे हो रहे हैं, इसलिए मैंने उस काम और पंचायत की विकास की बात के लिए मैं गया और समर्थन की बात करता हूँ, बशर्ते मुखिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सिर्फ काम में बाधा पहुँचाने के लिए यहाँ के जो 2-4 गुंडे हैं वे लोग ये तमाशा कर रहे हैं और सरकार के मैसेंजर को तबाह कर रहे हैं। अच्छा, तो कोई यहाँ जो काम हुआ है क्या वो सही हुआ है? एकदम बिल्कुल जो काम हुआ है वो सही हुआ, सराहनीय है। ऐसा मुखिया उससे पूर्व भी और अभी आगे भी होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता है। मैं तो सबसे पहले आपको चैनल को मैं बधाई देता हूँ कि आप इस न्यूज को कवर करने के लिए आप आए, आप धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि जो लोग गए हुए थे वो मेरे सपोर्ट में नहीं थे। मैंने जो काम किया है निश्चल मन से उसके सपोर्ट में लोग गए हुए थे। चंद लोग जो असामाजिक तत्व हैं बार बार इस पंचायत को और मेरे छवि को ख़राब करने के लिए जो आवेदन देते हैं, इससे सरकार के जो कर्मचारी पदाधिकारी हैं उनको भी परेशानी हो रही है और ईंधन का दुरुपयोग हो रहा है। कुछ चंद लोग हैं, 3-4 लोग ऐसे हैं जो SQIM की टीम पटना से आई थी, वहाँ पटना ग्रामीण विकास में उन्होंने आवेदन दिया था। SQIM की टीम आई हुई थी, वो सारी टीम जितनी भी 2016 से लेकर के अभी तक जितना भी योजना हुआ है मनरेगा से सभी का उन्होंने जांच किया है। शाहिद रजा हमारे साथ इसी पर अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। शाहिद रजा आपसे हम जानकारी लेंगे, जो टीम पहुंची थी देखा जाए तो बाद में गुस्सा फूटा है वहां पर ग्रामीणों का, क्या कुछ अपडेट है? कोमल, दरअसल ये सीतामढ़ी जिला के रून्नी सैदपुर प्रखंड क्षेत्र के मेहसौल गांव का मामला है ये, और ये जांच की टीम ये पहली बार नहीं आई है। इससे पहले भी 4 बार जांच की टीम आ चुकी हुई है, और इतना ही नहीं मनरेगा के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना है उस पर भी जांच हुई, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जो स्थानीय मुखिया है या स्थानीय सरपंच है उन लोगों ने बताया कि जो ये 4 लोग हैं, 4 लोग गुंडा प्रगति के लोग हैं और असामाजिक लोग हैं और ये लोग गांव के माहौल को खराब करना चाहते हैं और जो विकास का काम हो रहा है उसमें रोड़ा अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो एक साकिब रजा नाम का लड़का है वो 354B का अभियुक्त है और वो फरार है। जो रून्नी सैदपुर थाना है उसे गिरफ्तार भी नहीं कर रही है, उसके बावजूद वो खुले में घूम रहा है। जांच की टीम आई थी उसके साथ भी घूम रहा था, तो कुल मिलाकर करके जो स्थानीय लोग थे उसका जो गुस्सा फूट पड़ा था। अगर जो बीच बचाव नहीं होता तो शायद उन लोगों के साथ मारपीट भी होती, और उन लोगों का ये कहना था कि हमारे जो मुखिया जी हैं वो बेहतर काम कर रहे हैं, हम लोगों के दुख सुख में वो शामिल रहते हैं और 4 लोग जो है वो बाहर से आकर कर करके यहाँ के माहौल को खराब करना चाहते हैं और बढ़िया काम हो रहा है यहाँ विकास में बाधा पहुंचाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि उसके अंदर जो एक शख्स है वो अपने आप को PTI का रिपोर्टर बताता है और उसका दोस्त दिखा कर करके जो मुखिया जी बता रहे थे
कि हमसे अवैध वसूली के लिए जो है ना बार बार दबाव डालते हैं, वो कमीशन की बात करते हैं। जब हम विकास का काम कर रहे हैं, चाहे जब हम बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हम किसी को कमीशन क्यों देंगे जी। चलिए शुक्रिया शाहिद ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए पटना से जांच टीम आई थी, जिसके जाने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा सामने आया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो एक तरफ जहां विपक्ष के द्वारा लगातार नई नियोजन नीति को लेकर हंगामा किया जा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष के कई विधायक और मंत्री इस नियोजन नीति को लेकर समर्थन कर रहे हैं। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी के द्वारा बेवजह अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है और इस तरह का हंगामा करने से कोई फायदा नहीं है। इस नियोजन नीति से छात्र छात्राओं को फायदा मिलेगा, उनके रोजगार के अवसर खुलेंगे। और क्या है वो और आज उनको हमदर्दी दिखा रहे हैं, 40 की बात कर रहे हैं। अरे भाई जांच सर्वे किया इन लोगों ने, इन्हीं के लोगों ने ट्वीट कराकर सर्वे कराकर सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया। मैं कहना चाहता हूँ, आप युवाओं को कहना चाहता हूँ, आप लोग बिल्कुल खड़े रखिए। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी युवाओं को अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ हम लोग लेके जा रहे हैं और निश्चित तौर पर 2 सालों में आप देखिएगा रोजगार का अंबार होगा। अब भाजपा के गाँव में मत आइए, इन लोगों ने 18 साल तक क्या किया, इन लोगों ने भाजपा के लोग कहाँ थे आज आप बताइए। 22 साल हो गया हमारे राज्य अलग हुए और आज आपको नियोजन नीति के बारे में, जब गठन हुआ था हमारा राज्य उसी समय आप इसे थोड़ा आउट कर देते मामला को, तो ये मामला होता ही नहीं। ये देन जो है ये भाजपा की देन, और आज घड़ियाली आंसू बहा रहे, मैं तो रहता हूँ उजाड़ फेंकता इन लोगों, ऐसी बात नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं है। और युवाओं के आज युवाओं के प्रति हम सबको आगे आना चाहिए। हम लोग बींग पॉलिटिशियन, बींग लीडर, बींग MLA मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग कभी आपने लोगों ने साथ नहीं दिया। आज आप देखिए नया पूछ देते हैं, नया बोलेंगे तो निजी नीति के बारे में, युवाओं के भविष्य के बारे में आप बात तो करते, आप खामियां निकाल रहे हैं। ये लोग जो ट्विटर में फर्जी अकाउंट बनाकर फर्जी तरीके से, ये लोग जो है यदि इतने सच्चे और अच्छे और ईमानदार लोग हैं तो फिर फर्जी ट्विटर बनाने का क्या जरूरत है, और 16,000 लोगों ने ट्वीट किया उसको 4.5 लाख दिखाने का क्या जरूरत है, कैसे कैमरा और पैसा दे देंगे कंपनियों को, लाख ट्वीट दिखाने का क्या जरूरत है। और ये लोग बताएं भाजपा के लोग, यदि ये हिंदी के विरोधी हैं तो खुल के बोले कि हम हिंदी के विरोधी हैं, हिंदी हम नहीं चाहते हैं। ये बोले कि हम संस्कृत के विरोधी हैं, और ये बताएं कि हिंदू धर्म में संस्कृत का स्थान क्या है। एक भी ग्रंथ हमारा, एक भी धार्मिक जो है किताब में, एक भी हमारा श्लोक बिना संस्कृत के नहीं होता। तो बीजेपी के लोग में हिम्मत है, वो बोलेगा, वो बोले, वो बोल रहे क्या आप ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, बोले कि इसको हम पसंद नहीं करते हैं, बोले बोले कि ओम भूर भुआ स्वात सवितुर्व रेडियम भर्गो देव से धीम ही दियो यो ना प्रचोदयात, बोले कि हमको पसंद नहीं है, हम संस्कृत पसंद नहीं करते हैं, बोले ही। उधर मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में बरामद टाइम बम निर्माण मामले में अब तक एजेंसी और पुलिस खाली हाथ हैं। इस मामले में कोलकाता से पकड़े गए अहमद अली उर्फ जैकी को 24 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है जेल, लेकिन इस मामले में अब तक पुलिस और CID की टीम खाली हाथ है। टाइम बम मामले में कोलकाता से ही पकड़े गए आरोपी मुख्य अभियुक्त जैकी ने इस मामले में कोई भी राज को नहीं बताया है। इसके बाद अब एक बार फिर से CID टीम की जाँच बढ़ गई है। जो है तीन कोठिया में जो बम जो पकड़ाया था उसी मामले में इसे गिरफ्तारी किया गया है, आगे और विशेष जानकारी मुझे नहीं है। आगे क्या इसकी गिरफ्तारी हुई है, अब तो फिलहाल तो जेल ही जा रहा है। कहां से गिरफ्तारी हुई है? कलकत्ता से हुआ है गिरफ्तारी। हाँ, STF की टीम। विशाल कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, टाइम बम मामले में अब तक की अपडेट आपसे हम लेंगे। जी कोमल, टाइम बम मामले में अभी तक की जो अपडेट है उस मामले में कोलकाता में जो है वो बिहार STF की टीम और CID के स्पेशल टीम ने जो मुख्य अभियुक्त है, आरोपी है जैकी, उसकी गिरफ्तारी तो कर ली है, लेकिन जांच की बात करें तो इस मामले में पुलिस और CID की टीम अब तक खाली हाथ है। कुछ भी अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं हुआ है कि टाइम बम बनाने का या फिर उसका मोटिव इन लोगों का क्या था। फिलहाल पुलिस ने जो मामला दर्ज किया है वो एक्सप्लोसिव एक्ट, उसके अलावा जो
एंटीपीडीएस एक्ट है उस मामले में तो प्राथमिकी दर्ज कर ली है, इसके बड़े भाई जो है उसकी गिरफ्तारी किया जा चुका है, लेकिन जैकी ने पूछताछ में अब तक कुछ भी नहीं बताया है। फिलहाल उसको न्यायिक हिरासत में 24 मार्च तक के लिए भेज दिया गया है, लेकिन सीआईडी की टीम के सूत्रों की माने तो वो खाली हाथ नहीं बैठेगी। सीआईडी की टीम रिमांड पर लेकर जैकी जो इस कांड का मुख्य आरोपी है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है कोलकाता से, उसको लेकर पूछताछ कर सकती है। एक्सप्लोसिव एक्ट की धाराओं में जैकी अब तक का सबसे बड़ा अभियुक्त माना जा रहा था और नेपाल से लेकर उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी इसकी गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। फिलहाल आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित जैकी और उसके भाई के खिलाफ कोई भी सबूत अभी तक हाथ नहीं लगे हैं। कांड के बाद जो है एटीएस की टीम और एनआईए की टीम भी जांच कर चुकी है और अब तक खाली हाथ होकर लौट चुकी है, लेकिन सीआईडी की टीम की माने तो उसके तमाम पदाधिकारियों का कहना है कि इस मामले में हर एक एंगल को खंगाला जा रहा है। जैकी और उसके भाई से जुड़े हुए वैसे सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है कि उनका मोटिव क्या था। टाइम बम जो बरामद हुआ था उसके बाद से मुजफ्फरपुर का यह मामला काफी सुर्खियों में रहा। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी तो किया जा चुका है, लेकिन जांच की जो जांच में जो अब तक मामले जो क्लियर होने चाहिए, जो मामले का पर्दाफाश होना चाहिए, वो अब तक नहीं हुआ है। फिलहाल एक बड़ी उपलब्धि यही है कि मुख्य आरोपी जैकी जेल की सलाखों में है, अब रिमांड पर लेकर पूछताछ आगे किया जा सकता है। फिलहाल सीआईडी की टीम जो है लगातार इस मामले में जांच कर रही है और ठीक है, विशाल नजर बनाए रखिएगा जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए जनतंत्र टीवी, नमस्कार।